हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। सो एकलव्य मॉडल स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसीज के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज में है। आपकी जो पीजीटी की वैकेंसी है वो 25 यानी कि 2500 प्लस वैकेंसी है, तो जिसकी वजह से सभी को ये लगता है कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो क्या दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखो, जिन जिन स्टेट्स में आपका जो एकलव्य स्कूल है उनकी जो लिस्ट है वो हमने आपको नोटिफिकेशन में डाल देंगे। वो वीडियो वहाँ पर हमने पूरी लिस्ट जो है अपलोड कर रखी है कि किस किस स्टेट में एकलव्य स्कूल है। तो जो दूसरे स्टेट में यानी कि जिन में ये स्कूल नहीं है, क्या उनके कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखो, जो नोटिफिकेशन आया है उसको क्लियरली हमने पढ़ लिया है। अच्छी तरह स्टडी करने के बाद ही हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि उसमें उस तरह का कोई नोटिफिकेशन गिवन नहीं है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। आप अपनी क्वालिफिकेशन देख सकते हो, स्टेट का कोई मैटर्स नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी लाइन मेंशन नहीं की गई है जिसमें ये मेंशन किया गया हो कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते जहां पर ये स्कूल नहीं है। उसके बाद पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, तो पहले हम देख लेते हैं सिलेबस को, उस साइट से कर लेते हैं डाउनलोड। और आप उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो इसके लिए हमें जाना होगा साइट पे। ये जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर टेरिबल स्टूडेंट न्यू दिल्ली है, यहाँ पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा, डिटेल सिलेबस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। सबसे पहले जो सिलेबस रहेगा पीजीटी का, जनरल अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस में आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स विद, इसमें स्पेशली मेंशन है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो करंट अफेयर्स आएगी वो आपकी फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड होगी। उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में यहाँ पे आपके क्या क्या आएंगे, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन सिक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये आपके आएंगे रीजनिंग में। नॉलेज ऑफ आईसीटी में आपका आएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीवेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके टीचिंग नेचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक्स, रिक्वायरमेंट, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेलुएशन। और उसके साथ साथ आपका एक्सपेरिमेंटल, एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। NEP 2020 आपकी पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश में आपके वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वैकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर आइटम्स एंड फ्रेज, ये आपके जनरल इंग्लिश में आएंगे। जनरल हिंदी में आपके संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकतियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो ये आपके जनरल हिंदी में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा वो आपका जो भी आपका सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, सभी कुछ इसमें मेंशन है। ऑलमोस्ट जो है, जहाँ तक देखा गया है, तो जो आपका 12th तक का सिलेबस इसमें गिवन है। आप अपने, इसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, देखो इसमें कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखो ये स्पेशली क्लियर मेंशन हो गया कि भाई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना है कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आपको अपना 100% परफॉर्मेंस देना है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आपके नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो भी टॉपिक है उसको डीपली स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और ये आपको साइट पे मेंशन है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।